हम यहाँ पे मिट्टी का वाटर होल्डिंग कैपेसिटी चेक कर रहे हैं। हम इसमें सबसे पहले मिट्टी का 50 ग्राम लेंगे और इसे बर्नर से हम ड्राई करेंगे ताकि इसमें जो नमी है वो दूर हो सके। इस यहाँ देख सकते हो कि मिट्टी पूरी तरह से ड्राई हो चुका है। सबसे पहले हम यहाँ पे मेजरिंग सिलेंडर लेंगे और उसमें हम कीप रखेंगे और फिल्टर पेपर लेंगे और उसको ऐसे इस तरह से मोड़ेंगे ताकि उसमें मिट्टी आ जाए। और हम इसमें मिट्टी डालेंगे अब हम 50 ml पानी बीकर में लेंगे और इस पानी को हम धीरे धीरे इसमें पोर करेंगे। इस तरीके से आराम से ताकि वो इधर उधर फैले ना, इसको धीरे धीरे हम क्या करेंगे, पोर करेंगे आराम से। आराम से एक साथ डालने से प्रॉब्लम ये आएगा क्योंकि पानी बाहर से निकल के चला जाएगा फिल्टर पेपर से, इसलिए हमें आराम से इसमें क्या करना है, पानी पोर करना है ताकि वो मिट्टी से होके ही गुजरे। अब हम पीएच टेस्ट करने वाले हैं जिसमें हम जो भी सैंपल हमने लाए थे 3 अलग अलग फील्ड के, उन फील्ड के सारे सैंपल्स के हम थोड़े थोड़े मिट्टी क्या करेंगे अलग अलग बीकर में ले रहे हैं हम, जैसे कि आप देख रहे हैं। अब इस मिट्टी में हम थोड़ा थोड़ा पानी मिलाएंगे उतने ही मात्रा में जितना हमने क्या लिया हुआ है, सैंपल लिया हुआ है। थोड़ा थोड़ा और डालेंगे पानी। इस सैंपल को पानी डालने के बाद हम बहुत अच्छे से मिक्स करेंगे। तो आपने देखा कि किस प्रकार हमने मिट्टी को वजन किया, ड्राई किया, ड्राई करने के बाद हमने उसको मेजरिंग सिलेंडर फनल में रख के फिल्टर पेपर में मिट्टी डाला और मिट्टी पे पानी डाला हमने 50 ml। सभी सैंपल के साथ हमने यही किया हुआ है। इसके बाद हमने पानी डालने के बाद उसको हमने 20 मिनट के लिए क्या कर दिया है, छोड़ दिया है, होल्ड में रख दिया है ताकि जितना भी पानी इससे निकलना हो वो निकल जाए। उसके बाद हम क्या करेंगे, ऑब्जर्वेशन करेंगे। इसी दौरान हमने उन्हीं तीनों सैंपल का पीएच वैल्यू भी चेक करने के लिए तैयार किया है। 3 बीकर में हमने अलग अलग सैंपल्स लिए हैं, उसमें हमने मिट्टी लिया है और मिट्टी में हमने अप्रॉक्सीमेटली डिस्टिल्ड वाटर को हमने क्या किया है, ऐड किया है। उसको अच्छे से डिसॉल्व करने के बाद हम उसको थोड़ी देर छोड़ देंगे 5-10 मिनट के लिए। उसके बाद पीएच पेपर डालेंगे, ठीक है, और 20 से 30 सेकंड तक हम पीएच पेपर में इसमें डालेंगे। उसके बाद जो यहाँ पे हमें दिख रहा है पीएच पेपर में जो भी हमारे पास रीडिंग्स दिए हैं, उस रीडिंग से हम क्या करेंगे, मिलाएंगे और फिर हमें पता चलेगा कि उस मिट्टी का पीएच वैल्यू मान कितना है। हम देख रहे हैं 10 मिनट हो चुका है हमारा और सैंपल्स को लिए हुए 20 मिनट हो चुका है। तो हम देख रहे हैं हमने पीएच के लिए यहाँ पे रखाया है, फिर इसको डीप करने के बाद हम यहाँ ड्राई करने के लिए छोड़ देंगे। तब तक हम जो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी चेक कर रहे थे उसमें हम देखते हैं। तो अब हम देख रहे हैं वाटर होल्डिंग कैपेसिटी, तो हम देख रहे जो 50 ml हमने पानी डाला था, फर्स्ट वाला जो हमें दिख रहा है यहाँ पे सैंपल, उसमें हमें लगभग देखने को मिल रहा है 29 ml के आसपास वाटर जो है वो स्टोर हो गया है नीचे आके। और सेकंड वाले में हम देखेंगे तो 25 के आसपास हमें नज़र आ रहा है और थर्ड वाले में हम देखेंगे तो ये करीब करीब 35 के आसपास नज़र आ रहा है। इस तरीके से हमें देखना है, ठीक है। पहले हम इसमें पानी डाल देंगे, फिर हम इसे तब तक इसको छोड़ देंगे जब तक इसके पूरे ड्रॉप्स बाहर गिर ना जाए। उसके बाद वाटर के हम क्या करेंगे, मेज़रमेंट करेंगे और ऑब्जर्वेशन टेबल में क्या करेंगे, फील करेंगे। आइए ऑब्जर्वेशन टेबल को चेक करते हैं। ये हमारा ऑब्जर्वेशन टेबल है, इस तरीके से हमें ऑब्जर्वेशन टेबल बनाना है। अब इसमें हम डाटा फील करने वाले हैं। जैसे कि हमने देखा था सॉइल टाइप, हम यहाँ पे सैंपल लिख सकते हैं, सैंपल वन है हमारा ये, तो ये सैंपल वन, सैंपल टू और सैंपल थ्री, हमने 3 सैंपल लिए हुए हैं। सबका जो वेट रखा था हमने, सबका वेट कितना रखा था, 50 ग्राम रखा था, तो ये सारे हमारे 50 ग्राम्स हो जाएंगे। इसके साथ साथ जो वॉल्यूम ऑफ वाटर हमने पोर किया था, ठीक है, वो कितना लिया था हमने, 50 ml, तो यहाँ भी 50 ml हो जाएगा।
और हमें अब देखना है कि वाटर कितना आया था। तो हमने जैसे कि फर्स्ट में देखा था कितना आया था, 29 के अप्रॉक्स वाटर हमें क्या हुआ था, ड्रेन आउट होके मिला था। सेकंड वाले में हमने देखा था कि 24 के अप्रॉक्स, और लास्ट वाले में सबसे ज़्यादा हमें देखने को मिला था 35 ml के आसपास। जो नेक्स्ट कॉलम हमारा है, उस कॉलम में आप देख सकते हैं कि हमें इन दोनों को माइनस करना है, 50 ml माइनस 29 करना है, तो हमारे पास जो वैल्यूज़ आएंगे इसी तरीके से हमें निकालना है। उसके बाद जो लास्ट कॉलम हमें दिख रहा है उसमें हमें क्या करना है, जो y और z का डिफरेंशिएशन था, y और z जो डिफरेंस है उस डिफरेंस को रखना है नीचे हमें डिफरेंस पे। जैसे फर्स्ट केस में हम देखें तो हमारे पास डिफरेंस आ रहा है 21, और जो टोटल हमने सैंपल लिया था, ठीक है, जो कि क्या है x, तो x का वैल्यू हम देख सकते 50 ग्राम है, 50 रखेंगे इनटू 100 करेंगे, इससे हमें परसेंटेज मिल जाएगा। और इस तरीके से हम परसेंटेज होल्डिंग कैपेसिटी निकाल सकते हैं पर्टिकुलर हर सैंपल्स का। अब हम पीएच को मैच करेंगे कि जो हमने फ़िल्टर पेपर यूज़ किया था वो फ़िल्टर पेपर नियर बाय कहाँ आ रहा है। तो हम कलर अगर मैच करें तो हमें दिख रहा है कि ये 6 और 6.6 to 7 के बीच में, और नियरली सबसे पास दिख रहा है मुझे ये 7 के। तो हमारा जो फर्स्ट सैंपल है वो 7 के अप्रॉक्स है, ठीक है। इससे हम अप्रॉक्सीमेशन ही पता कर सकते हैं, एक्चुअल वैल्यूज़ हमें पता नहीं चलेंगे। इसको भी हम देखें तो जो सेकेंड सैंपल भी है लगभग मुझे वहीं 7 के आसपास ही दिख रहा है, और जो लास्ट सैंपल है मेरा उसमें भी अगर मैं मैच करूं तो ये भी उतने ही 6 to 7 के बीच में ही जा रहा है। यानी कि हमारे जो सॉइल है वो ऑलमोस्ट न्यूट्रल टू स्लाइट एसिडिक है। तीनों जो सैंपल्स हैं न्यूट्रल टू स्लाइट एसिडिक हैं हमारे पास। अब हम पीएच वैल्यूज़ ऑफ सैंपल्स को भी एक ऑब्जर्वेशन टेबल में फीड करने वाले हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं मैंने यहाँ सीलियर नंबर सॉइल टाइप में मैंने जो सर्वे लिखा है या जो सैंपल हमने कलेक्ट किया है वो है। तो हमारे पास 3 सैंपल अभी हमने लाए थे, या है अप्रोक्स वैल्यूज़ जो आ रहे हैं वो न्यूट्रल के आसपास ही आ रहे हैं, ठीक है, इस अप्रोक्स ही बोल रहा हूँ मैं। तो ये कुछ 6.8 और 6.78 के आसपास आ रहे हैं, जो कि स्लाइटली एसिडिक है, स्लाइटली ना, ज़्यादा एसिडिक नहीं है, स्लाइटली एसिडिक है, ठीक है, और जो कि एकदम बेस्ट कंडीशन माने जाते हैं अपने माइक्रोबियल ग्रोथ के लिए। तो इस वीडियो के अंदर हमने 2 चीज़ें चेक की, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी, ठीक है, मेजरिंग सिलेंडर के थ्रू, और पीएच वैल्यू बाय यूजिंग द पीएच पेपर।